मैच स्टार्ट पुलकित वर्सेस इंजी, पुलकित सामली और इंजी गंगो के बीच ये पहला मैच स्टार्ट और पहली बॉल छक्को छक्को का मैच है और पुलकित ने शॉट लगाया ऊपर स्टंप पर छह नहीं हुए, चार रन। ये केवल छक्को छक्को का मैच है, चौके कन्वर्ट नहीं किए जाएंगे। टूर्नामेंट का मुकाबला चलता हुआ इंजी की साइड से फिरोज है बॉलर, फिरोज की अगली बॉल पुलकित के लिए, ये नो बॉल। दो दो खिलाड़ियों का मैच चल रहा है, छक्को छक्को का मैच। पुलकित के लिए एक बॉल डॉट है, तो अगली बॉल पुलकित के लिए ये भी डॉट बॉल, अच्छी बॉलिंग। पुलकित को कम से कम दो छक्के लगाने होंगे इंजी भाई के लिए, क्योंकि दो छक्के इंजी भाई आराम से लगा सकते हैं, बहुत तगड़े प्लेयर है और ये बहुत तगड़ा मैच चल रहा है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, एक मैच जीत चुके हैं सरताज। अगली बॉल पुलकित के लिए फुल टॉस बॉल, ये भी डॉट बॉल। ये पुलकित की अच्छी बैटिंग नहीं देखने को मिली अभी तक, ये बॉल डॉट निकाल दिया है। अगली बॉल और ये भी डॉट बॉल फिरोज की, तीन बॉल डॉट, छक्को छक्को का मैच है ये। तीन गेंदों पर कुछ नहीं है, पुलकित ने उठा दिया है ये भी कीपर के ऊपर से कैच पर, नॉट आउट, दिखाई नहीं दिया। दो बॉल बाकी रह रही है अभी, ये फुल टॉस बॉल ये भी नहीं लगा पाए, लास्ट बोलती है, कोई छक्का नहीं है और मात्र एक छक्का मारना है अभी इंजी भाई को जीत के लिए। इस मैच में जीत के लिए इंजी भाई को एक छक्के की जरूरत है। जिसमें सहारनपुर का बहुत बड़ा नाम इंजी, एक छक्के लगाना है इन्हें जीत के लिए। और ये डॉट बॉल थोड़ी नीची बोल रही भाई, बहुत बड़ा नाम है इंजी, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इस टूर्नामेंट में मुकाबला रहेगा इनका, कैसे भी फाइनल तक पहुंचते हैं या फाइनल तक पहुंचते हैं, एक हिट की ज़रूरत है, पांच बॉल में एक हिट की ज़रूरत है इंजी भाई को जीत के लिए। पुलकित चले हैं धीरे धीरे कदमों से, बहुत तेज बॉलर है पुलकित भी, और ये फुल टॉस बॉल और उठा दिया है पहली बॉल, छह रन। ये फुल टॉस बॉल पर इंजी भाई ने मैच जीत लिया है, बहुत अच्छी बैटिंग, ये बहुत बड़ा नाम बताया था और ये अब सेकंड राउंड में पहुंच चुके हैं। दो छक्के लगा चुके हैं भाई, तगड़ा छक्का, बहुत लंबा छक्का, ये देखिए छक्का छक्का का मैच चलता भाई। मोंटी सिंह सामली लोकल बॉय तमरेज वर्सेस सामली का बल्लेबाज है, ये देख नो बॉल और ये छह रन, चार छक्के मार दिया मोंटी ने भाई, छक्को छक्को का मैच है। अब नेक्स्ट बल्लेबाज को पांच छक्के मारने हो गए, देखे भी तो बॉल बची, कोई रन नहीं है। मोंटी सामने के लिए तो भेजिए भाई, ये क्या बॉल, बहुत बेकार बॉल, स्टंप पर कह रहे हैं मारने को, देखते हैं। पांच छक्के, अब जीत के लिए छह छक्के लगाने हुए, मोंटी ने पांच छक्के लगाए हैं। साधारण सा मैच है, बल्लेबाज को पांच छक्के लगाने हैं जीत के लिए, जो कि नामुमकिन से है। ये देखिए स्पिन बॉल कर रहे हैं, अब पहली बॉल, वो डॉट बोलती है पहली बॉल पर छह रन लगा दिया है। पांच बॉल पर चार छक्के की जरूरत, अब पांच बॉल चार छक्के की जरूरत। ये बोल्ड और दो विकेट का मैच है, ये दूसरा बल्लेबाज, ये बॉलर थे, इन पे मोंटी ने पांच छक्के लगाए थे और ये औपचारिकता बाकी, मैच जीत चुका है मोंटी सामली मैच जीत चुका है। फर्स्ट राउंड का मैच है इनका और ये मैच हार गए हैं, बल्लेबाज मैच हार गए हैं, ये मोंटी मैच जीत गए, मोंटी मैच लगभग जीत चुके हैं और ये देखिए जीत गए, बेहतरीन विनिंग पारी। पुलकित भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलकित जीतेंगे मैच, मुझे बहुत उम्मीद है कि पुलकित ये मैच जीतेंगे, सिंगल विकेट मैच हो रहा है, छक्को छक्को का मैच है। अगली बॉल पुलकित की भाई, ये पुलकित जीतेंगे मैच, ये मुझे बहुत उम्मीद है पुलकित पर, ये बहुत अच्छा बॉलर है पुलकित। अगली बॉल पुलकित की, ये स्लोअर बॉल, बहुत तगड़ी बॉल, स्लोअर बॉल, कोई छक्का नहीं, छक्को छक्को का मैच है अभी तक, तीन बॉल पर कोई छक्का नहीं। सामली में चल रहा है टूर्नामेंट, ये गुराना सामली, बॉल पुलकित की, बहुत तगड़ी बॉल, ये डॉट बॉल,
लेकर चले पुलकित, ये एक और तगड़ी सलोवर, एक और बहुत तगड़ी सलोवर, लादर से प्रैक्टिस करते हैं इस हमले में। अगली बॉल और ये भी डॉट बॉल, अब मात्र एक छक्का लगाना है पुलकित को जीत के लिए। पुलकित को सिंगल विकेट मैच चल रहा है, मात्र एक छक्का लगाना है, देखते क्या होता है मैच में। मोंटी को सादिक पर एक छक्का लगाना है जीत के लिए, मोंटी वर्सेस सादिक, मोंटी ने भाई पुलकित, सॉरी भाई साहब, पुलकित वर्सेस सादिक। अब पुलकित को एक छक्का लगाना है जीत के लिए, देखते हैं क्या होता है मैच में। ये बॉल और पुलकित ने बहुत तगड़ा शॉट लगा दिया है लेग स्टंप पर, ये देखिए बहुत लंबा छक्का। इसी के साथ ये मैच अपने नाम किया है एक बॉल में, सेकंड राउंड में एंट्री कर चुके हैं। शामली वर्सेस जिन्होंने टूर्नामेंट करवाया, वो बॉलर इन्होंने टूर्नामेंट करवा रखा है, आदेश वर्सेस मुजफ्फरनगर के अमित, अमित मुजफ्फरनगर और आदेश के बीच ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। देखते हैं छक्को छक्को का मैच, और पहली बॉल फेंकने जा रही है अमित भाई के लिए। पहली बॉल इनके हाथ में बॉल लग चुकी है, कैच लेते हुए थोड़ा मांस फट गया है। आदेश की ये पहली बॉल अमित के लिए, और ये डॉट बॉल, ये देखिए हाथ में चोट लगी है। अच्छा प्लेयर बता रहे हैं, बैट नहीं पकड़े जा रहा है, इनका हाथ का मांस फट चुका है, मैंने देखा, इन्होंने अभी दिखाया, उंगली सूजी हुई है। ये देखिए बैट उंगली छोड़कर पकड़ रखा है। आदेश चले हैं, आदेश टूर्नामेंट के ओनर का ये शॉट, और पहला शॉट भाई बहुत तगड़ा शॉट, चार रन है। ये देखिए एक हाथ से खेल रहे हैं, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं मुजफ्फरनगर के अमित और आदेश शामली। ये फिर से डॉट बॉल, ये देखिए बैट नहीं पकड़े जा रहा है, बैट पकड़ने में तकलीफ हो रही है। आदेश चले हैं एक बार फिर से, अगली बॉल, और भाई ये बहुत तगड़ा शॉट, 6 रन, बहुत तगड़ा शॉट अमित मुजफ्फरनगर। अगली बॉल आदेश की है, और ये कैच आउट, पर पीछे का कैच आउट नहीं है, कीपर ने कैच किया लेकिन नॉट आउट बना। अंतिम बॉल एक छक्का, आदेश बॉलर, इन्होंने टूर्नामेंट करा रखा है, जो बॉल फेंक रहे हैं आदेश शामली वर्सेस अमित मुजफ्फरनगर के लिए। ये फुल टॉस बॉल, और ये कोई छक्का नहीं, ये डॉट बॉल, ये दो छक्के लगाने हैं अब आदेश को जीत के लिए। ये आदेश एक लगा मुजफ्फरनगर की तरफ से बॉलर है कोई, भाई मुझे नाम नहीं पता, पर ये आदेश जिन्होंने टूर्नामेंट करा रखा, दो छक्कों की जरूरत है इन्हें, और ये डॉट बॉल, दो छक्कों की जरूरत है आदेश को एक ओवर में। आदेश शामली, और ये बॉल उठा दिया है, कोई छक्का नहीं, 4 रन। दीपक है जाकिर की फुल टॉस बॉल, और फील्डर मौजूद, एक हाथ से कैच ले लिया ये अमित ने, एक हाथ से कैच ले लिया क्योंकि एक हाथ में चोट लगी है भाई, तकड़ी बॉलिंग। ये टूर्नामेंट करा रखा है आदेश ने, आदेश की हुटिंग करते हुए दर्शक यहाँ पर देखे, दर्शक बैठे हैं बाहर बहुत। एक छक्का लगा कर बराबरी हो सकती है, ये भी डॉट बॉल, ये भी डॉट बॉल, ये मुजफ्फरनगर का बल्लेबाज जीतता हुआ नजर आ रहा है, और थर्ड राउंड में एंट्री कर जाएंगे जीतते ही सार, क्योंकि सेकंड राउंड का मुकाबला चला हुआ है। एक बार फिर से तकड़ा शॉट लगाया, पर ये 6 रन नहीं, ये बॉलर मैच जीत चुके हैं। ये देखिए बल्लेबाज, ये ग्रीन रेड शर्ट, ये जीत चुके हैं, और भाई हाथ का मांस फटा हुआ है, पर फिर भी बहुत अच्छा कैच लिया इन्होंने, और ये मैच जीत लिया है। मुकाबला मोंटी वर्सेस चेतन, और ये शॉट लगाया, फील्डर मौजूद, पर 6 रन। निशांत पिंडोरा शामली, इन्होंने पहली बॉल पर ही मोंटी की छक्का लगा दिया है। ये सेकंड राउंड का मुकाबला चला हुआ है, निशांत ने बहुत तगड़ा शॉट लगाया है। निशांत पिंडोरा वर्सेस, और ये बढ़िया बॉल, डॉट बॉल, निशांत पिंडोरा वर्सेस ये मोंटी है शामली से, मुकाबला चला हुआ है, सेकंड राउंड का मैच है, और ये डॉट बॉल, डे नाइट की बॉल है, ये राइट बॉल थी पर नो दे दी एम्पायर ने। एक छक्का लग चुका है, ये भी डॉट बॉल,
हेलो नोटी की अगली बॉल, ये वाइड बॉल नो बॉल, ये एक कदमों से निशांत के लिए ये फुल टॉस बॉल नो बॉल नहीं थी। अब दो छक्के लगाने हैं मोंटी को जीत के लिए, जीत के लिए दो छक्कों की जरूरत है, छक्कों छक्कों का मैच है ये। पहली बॉल चेतन की फुल टॉस बॉल और लेग स्टंप पर नो बॉल भी और 6 रन, और ये मोंटी ने मैच जीत लिया है। दो छक्कों की जरूरत थी और दो छक्के लगातार लगा कर मोंटी ने मैच जीत लिया। तगड़ा मैच स्टार्ट होने वाला है, सेकंड राउंड का मुकाबला है ये। ये देखिए सरताज, सरताज के साथ मुकाबला है, सरताज वर्सेस मोंटी सेकंड राउंड का मुकाबला है। सरताज जो कि टूर्नामेंट में बहुत ही प्रभावी साबित हुए हैं सरताज, और ये मछरौली से मोंटी, और मोंटी के लिए सरताज की पहली बॉल। सरताज चले धीरे धीरे आराम से, बहुत तेज बॉल, फुल टॉस बॉल और ये डॉट बॉल, छक्को छक्को का मैच है ये। ये देखिए थोड़ा तकलीफ में नजर आ रहे हैं सरताज, चौ में नजर आए हैं, एक बॉल डॉट निकाल चुके हैं सरताज। मोंटी के लिए अगली बॉल सरताज की, ये बहुत तकड़ी बॉल और बहुत तकड़ा शॉट, कवर्स पे 6 रन, बहुत तकड़ा शॉट है, बहुत तकड़ा शॉट, सरताज वर्सेस मोंटी। एक छक्का लगा चुके हैं दो बॉल पर और मोंटी के लिए सरताज की अगली बॉल, और ये पटकी बॉल, कर फोल्डर कोई मौजूद नहीं, डॉट बॉल है। 3 बॉल पर एक छक्का लग चुका है सरताज की। चले हैं सरताज रनअप पर जाते हुए धीरे धीरे, लेकर चले हैं सरताज मोंटी के लिए। ये बेहतरीन बॉल, ये बेहतरीन बॉल, डॉट बॉल, एक छक्का लगा चुके हैं मोंटी सरताज की बॉल पर। सरताज फिर से चले हैं धीरे धीरे सरताज मुजफ्फरनगर जोला, और ये स्लोट में स्लो बॉल, और ये स्लोवर बॉल थी, शॉर्ट पिच बॉल, और दो छक्के लगा दिए हैं मोंटी ने सरताज की बॉल पर। तकड़ी बैटिंग, ये बहुत तकड़ी बैटिंग मोंटी, छोटा मोंटी। ये सरताज की 4 बॉल पर 2 छक्के लग चुके हैं, फुल टॉस बॉल, ये लास्ट बॉल थी सरताज की, 2 छक्के लगाए इन्होंने। देखिए अब सरताज को 3 छक्के की जरूरत है, ये बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत तगड़ा ऑलराउंडर सरताज, 3 छक्के की जरूरत है अब जीत के लिए सरताज को। सरताज और इन्हें 2 छक्के लगाने हैं अब जीत के लिए, 3 छक्के, 3 छक्कों की जरूरत है इन्हें। छक्कों छक्कों का मैच हो रहा है, मोंटी है सामने बॉलर शामली से, और ये मुजफ्फरनगर का कोई गांव है जोला, वहां से बिलोंग करते हैं सरताज, बहुत अच्छा लाउंडर है। दूसरे राउंड का मैच है मोंटी वर्सेस सरताज, मोंटी के पहली बॉल सरताज के लिए, और ये उठा दिया है, कैच हो सकता था पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। ये देखिए सरताज मोंटी के लिए बॉल, सरताज के लिए, ये तकड़ा शॉट भाई, बहुत तकड़ा शॉट, बहुत लंबा छक्का, 4 बॉल पर 2 छक्के की जरूरत है, बहुत तकड़ा प्लेयर, तकड़ा ऑलराउंडर, बहुत ही दर्शनीय शॉट लगाया है, पर फेंकने की तैयारी मोंटी की अगली बॉल, ये कैच कैच कैच, और ये कैच आउट कर दिया है। ये देखिए दर्शकों में शोर, बहुत तकड़ा शोर, देखिए क्या हाथ घुमाई, बिल्कुल फील्डर वहीं एक ही फील्डर था, वो वहीं पे जमाया था मोंटी ने, और आउट कर दिया है सरताज को, मोंटी ने आउट कर दिया है। देखिए सरताज बहुत निराश, ओप में कटर बॉल देकर आउट कर दिया है, ये तो बहुत ही खतरनाक साबित हो गए बॉलर मोंटी, और ये भी डॉट बॉल। ये तो मोंटी ने मैच ही बदल दिया भाई साहब, सरताज को लगभग हरा दिया है, अब 2 गेंदों पर 2 छक्के की जरूरत है,
दो गेंदों पर दो छक्के की जरूरत है जगत के लिए, और दो पर एक लगता है तो बराबरी हो सकती है। दूसरा बल्लेबाज है सरताज की तरफ, देखे सरताज बहुत निराश। मोंटी 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 की ये बेहतरीन बॉल, डॉट बॉल। ये देखे सरताज जो इस टूर्नामेंट के दावेदार माने जा रहे थे लगभग, में बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और कोई विश्वास नहीं करेगा कि मोंटी ने निकाल दिया इन्हें बाहर। छोटा मोंटी शामली से छोटा मोंटी जिन्होंने सरताज को डगआउट में बैठाने का काम किया। देखे सरताज कितने परेशान, हताश और निराश। और ये अगली बॉल, लास्ट बॉल, और ये मोंटी ने मैच जीत लिया है। मोंटी ने मैच जीत लिया है, मोंटी स्टार। ये देखे सरताज बहुत परेशान, बहुत दूर से चलकर आए थे, और दर्शकों का दावा लगाया जा रहा था कि सरताज इस फाइनल को उठाएंगे, पर इन्होंने सेकंड राउंड में ही मोंटी ने बाहर निकाल दिया है। राउंड का दूसरा मैच अनवर वर्सेस मोंटी, सेकंड राउंड का मैच है दूसरा। अनवर है बॉलर मुजफ्फरनगर से, और ये अनवर की पहली बॉल। ये मोंटी ने बहुत लंबा छक्का लगाया, देखिए बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाहर, बहुत लंबा छक्का। मोंटी बहुत अच्छी बल्लेबाजी, सेकंड राउंड का मैच था और पहली बॉल पर छक्का लगा दिया है मोंटी ने। अनवर मुजफ्फरनगर, अजीब सेक्शन इनका। ये देखिए फिर से, और ये छक्का बहुत लंबा, और ये देखिए बैक टू बैक दो सिक्स लगा दिए मोंटी। अनवर की बॉल पर दो बॉल पर दो छक्के मोंटी ने लिए, डॉट बॉल, ये डॉट बॉल। बॉल लेकर चले हैं अनवर, और मोंटी का ये बहुत तगड़ा शॉट, ये देखिए छह रन, तीन छक्के चार बॉल पर मोंटी ने लगा दिया है। छक्को छक्को का मैच चला हुआ है, चार बॉल पर तीन छक्के लगा दिया है मोंटी ने। भारी बढ़त के साथ मोंटी मजबूती के साथ खेलते हैं, मोंटी के लिए फिर चले, और ये वाइड बॉल, वाइड बॉल, चार बॉल पर तीन छक्के, एक बार फिर से अनवर, और मोंटी के लिए ये भी डॉट बॉल। ये देखिए छक्के की बॉल थी पर नहीं लगा पाए मोंटी। लास्ट बॉल मोंटी के लिए ये अनवर की, और ये एक और शॉट लगा दिया है, बहुत लंबा शॉट, एक फील्डर है नीचे, ये डॉट बॉल, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं। अब चार छक्के लगाने हैं, वे हैं बल्लेबाज और मोंटी हैं बॉलर। देखते हैं छह, चार छक्के लगाने हैं गयूर को, और ये स्लोअर बॉल गयूर के लिए, बहुत ताकतवर बल्लेबाज लग रहे हैं। अब चार बॉल पर गयूर को चार छक्के चाहिए। मोंटी बहुत ही खतरनाक है, अजीब गरीब एक्शन इनका खड़ा होने का, ये भी डॉट बॉल। अब ये मैच तीन बॉल पर तीन छक्के लगाकर बराबरी कर सकते हैं, मोंटी जीतते हुए देख कैसे खड़े हैं, ये अजीब गरीब एक्शन खड़े होने का। और मोंटी नो बॉल, वाइड बॉल, देखिए खड़ा होने का तरीका, देखिए बहुत ही अजीब, चार छक्के लगाए हैं उन्होंने मोंटी ने, चार छक्के लगाए हैं। अगली बॉल लेकर चले, ये भी स्लोअर वाइड बॉल, चार छक्के लगाए उन्होंने मैच में, और ये मैच लगभग जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलर मोंटी की ये बॉल, ये बहुत ताकतवर शॉट, पर ताकत से खेल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं स्पिन बॉल, और ये मैच जीत लिया मोंटी ने। अब ये थर्ड राउंड में प्रवेश कर चुके हैं मोंटी। निखिल है ये, और ये स्लोअर बॉल, स्विंग बॉल, डॉट बॉल। मुकुल के लिए अगली बॉल, ये वाइड बॉल, सहजी का है बॉलर कोई सहजी, और ये बेहतरीन बॉल, बॉल को टर्न करा रहे हैं। ये छक्को छक्को का मैच, और ये डॉट बॉल हो चुके हैं दो बॉल। मुकुल बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं ये, शामली साइड से मुजफ्फरनगर के, ये टूर्नामेंट चल रहा है, और ये तकड़ा शॉट, बहुत लंबा छक्का है, तीन बॉल पर एक छक्का लगा चुके हैं, फिर से स्लोअर बॉल, फील्डर मौजूद है, पर ये छह रन, बहुत लंबा छक्का, दो छक्के लगा दिए है यहाँ पर मुकुल ने।
मुकुल के लिए। अगली बॉल क्लेम की, स्विंग बॉल, मुकुल ने शॉट लगाया ऊपर स्टंप पर, बेहतरीन छक्का ये, बहुत लंबा छक्का, 3 छक्के लगा चुके हैं मुकुल। मुकुल बहुत अच्छे बल्लेबाज और बॉलर है, अच्छा लाउंडर है, डबल विकेट मैच चल रहा है और 4 छक्के लगा दिया है मुकुल ने, 4 छक्के लगाए इस मैच में। अब जीत के लिए यही है, बल्लेबाजी ने 5 छक्के लगाने होंगे। पहली बॉल कलीम के लिए, स्लोअर बॉल, और ये तो लग गई थी, 5 बॉल पर 5 छक्के चाहिए कलीम को। बहुत अच्छी बॉलिंग, स्लोअर बॉल, ये भी कट बॉल, स्लोअर बॉल, मुकुल की तकड़ी बॉलिंग। ये लगता है मुकुल मैच जीत चुके हैं और मात्र औपचारिकता बाकी है, ये भी मैच जीत चुके हैं। 4 बॉल पर 5 छक्के, चार पर 4 बराबरी हो सकती है, 5 जीत। ये तकड़ी और कर बॉल और डॉट बॉल, मुकुल की स्लोअर बॉल, ये कोई छक्का नहीं, एक भी छक्का नहीं लगा है, अब तो स्पिन खिला रहे हैं। ये मैच लगभग जीत चुके हैं, कोई छक्का नहीं लगा है क्लीम, 4 छक्के लगाए थे मुकुल ने और मुकुल मैच जीत चुके हैं। हेलो, अरे बात करिए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, मुकुल का बेहतरीन प्रदर्शन, मुकुल मैच जीत चुके हैं। वर्सेस पुलकित के बीच मैच टॉस डल रहा है, देखते हैं कौन टॉस जीतता है। ये पुलकित ने टॉस जीत लिया और पहले देखते हैं क्या निर्णय लिया है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया पुलकित, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया पुलकित के लिए। पहली बॉल इंजी की तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं, उनके गांव का यह कोई बॉलर, डबल विकेट मैच है पुलकित के लिए। फिरोज की पहली बॉल और ये डॉट बॉल, तकड़ी बॉल, डॉट बॉल, दावेदार है ये इस फाइनल मैच के इंजी बॉलर साइड से। पुलकित के लिए दूसरी बॉल और ये वाइड बॉल, फिरोज की इंजी साइड से, और ये पुलकित ने बहुत लंबा छक्का लगा दिया है, बहुत लंबा छक्का, 2 बॉल पर 1 छक्का लगा दिया है पुलकित ने फिरोज की इंजी साइड से, और ये बहुत तगड़ा शॉट भाई गगनचुंबी, ये देखिए 6 रन पुलकित, तकड़ी शॉट लगा चुके, लंबा एक और भाई तकड़ा छक्का है भाई, पुलकित तो छा गए यहाँ पर, पुलकित यहाँ छा गए भाई, नया उभरता हुआ तकड़ा लाउंडर ये पुलकित, 3 छक्के खा चुके हैं पुलकित, छक्को छक्को का ये मैच चला हुआ है इंजी साइड से, और एक और छक्का भाई, बहुत तकड़ा शॉट है, और ये लंबा छक्का भाई, अरे वाह पुलकित भाई वाह, 5 बॉल पर 4 छक्के मार दिए हैं। अब ये तो पुलकित बहुत अच्छे बॉलर हैं, 5 छक्के तो नहीं लगने देंगे देखते हैं, पर बहुत ही तगड़ा मैच होने जा रहा है अभी, है काफी मैच, एक और फुल टॉस और ये एक और छक्का, 5 छक्के मार दिए हैं यहाँ पुलकित ने, ये सबसे बेहतरीन मैच इस टूर्नामेंट का अभी तक ये भाई, 5 छक्के देखे, दर्शक बहुत खुश, बहुत खुश, लगाने पुलकित पर इंजी को, ओ भाई पहला छक्का लगा दिया है, पहला छक्का लगा दिया है, 5 छक्के बराबरी हो सकते हैं भाई, तकड़ा मैच, ये सबसे तकड़ा मैच होएगा ये भाई, इंजी का बॉलर सही नहीं था जो कि 5 छक्के लगा गया, वरना 3-4 छक्के इंजी भी नहीं छोड़ दे, पुलकित चले अगली बॉल लेकर, और ये अब डॉट बॉल, अब 4 बॉल 4 छक्के बराबरी हो सकती है, 4 बॉल 4 छक्के इंजी के बॉलर ने 5 छक्के लगवा रखे हैं, जीत के लिए 6 छक्के लगाने होंगे, ये नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा बॉलिंग बेकार की है इंजी की साइड से, और नए बहुत अच्छे इस फाइनल के दावेदार हो सकते थे, पर अब फाइनल की रेस से बाहर नजर आ रहे हैं, सरताज भी बाहर हो चुके हैं और इंजी बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, लोकल बॉय, ये वाइड बॉल और बाउंस, अब लोकल बॉय प्रभावी नजर आए हैं अभी तक, मोंटी और पुलकित, 4 बॉल पर 4 छक्के लगाकर बराबरी की जा सकती है, 4 बॉल 4 छक्के, और ये मैच जीत लिया है, अब ये मैच जीत चुके हैं, अब ये मैच पुलकित जीत चुके हैं, मात्र औपचारिकता बाकी है,
औपचारिकता बाकी है मतलब इस मैच में, और ये चार रन, नो बॉल और चार रन। और ये मैच जीत लिया है पुलकित ने, मैच जीत लिया है। कह रहे हैं कि बॉल फेंकी जाए या नहीं, मात्र औपचारिकता बाकी है, टूर्नामेंट का मैच है और तो पूरा फेंकना होगा। ये मैच जीत चुके हैं, मैच जीत चुके हैं पुलकित। पुलकित ने इंजी भाई को लगभग हरा दिया है भाई, तकड़ा तकड़ा मैच, लोकल बॉय विनिंग, लोकल बॉय विन, लोकल बॉय विन, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन बॉलिंग, ये बहुत बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है ऑलराउंडर के तौर पर पुलकित उभरता सितारा, पुलकित उभरता हुआ सितारा। और ये मैच जीत लिया, मैच जीत लिया, थर्ड राउंड में प्रवेश कर चुके हैं भाई। पुलकित की बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी, बेहतरीन प्रदर्शन, दावेदार माने जा रहे हैं इंजी को, इन्होंने फाइनल की रेस से किया बार। मैच ये अगला, पहली बॉल मुकुल के लिए सेकंड राउंड का मैच ये, और ये वाइड बॉल, अगली बॉल लेकर चले हैं बॉलर है कोई नया, और ये बहुत लंबा छक्का मुकुल के बल्ले से भाई, छह रन। एक बार फिर से चले हैं बॉलर, और ये बहुत तगड़ा शॉट, एक और छक्का भाई, दो बॉल पर दो छक्के, गजब, दो बॉल पर दो छक्के लगने के बाद ओवर द विकेट से आए हैं, और ये एक और फर्स्ट नंबर से पैर उठा दिया बॉल, तीसरा छक्का, ये तीन बॉल पर तीन छक्के, तकड़ी बैटिंग भाई मुकुल की, बहुत तकड़ी। सेकंड राउंड का मुकाबला चल रहा है, मुकुल ने तीन बॉल पर तीन छक्के लगा दिया है, और ये नो बॉल, ये नो बॉल डॉट, ये भी छक्का है, तीन बॉल पर चार छक्के, तीन बॉल चार छक्के, क्योंकि ये नो बॉल है। मुकुल एक बार फिर से वाइड बॉल, अगली बॉल उस्मान की है, ये डॉट बॉल, ये उस्मान की डॉट बॉल, चार बॉल पर चार छक्के मुकुल के बल्ले से लग चुके हैं। उस्मान चले हैं फिर से, ये वाइड बॉल, उस्मान फिर से चले हैं, और ये डॉट बॉल, ये डॉट बॉल, पांच बॉल चार छक्के, अगली बॉल उस्मान की, और ये अच्छी बॉलिंग, अब पांच छक्के लगाने हैं मुकुल, गेंदबाजी करेंगे, पांच छक्के लगाने हैं अगली बॉल पर, और ये पहला शॉट डॉट बॉल, अगली बॉल उस्मान के लिए स्लोअर बॉल, ये डॉट बॉल, बार फिर से ये भी डॉट बॉल, अब मात्र औपचारिकता बाकी है, और मैच जीत चुके हैं मुकुल, थर्ड राउंड में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। फिर से स्पिन बॉल, दो मैच एक तरफा जीत चुके हैं, ये भी डॉट बॉल, अगली बॉल, ये बेहतरीन शॉट, एक बेहतरीन छक्का, पर कोई असर नहीं होगा इस छक्के का, तो मुकुल की ये बॉल डॉट बॉल, और मुकुल मैच जीत चुके हैं, थर्ड राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। अगला मैच देखते हैं क्या करेंगे अगले मैच में, बन चुकी है पर्चिया, बन चुकी है थर्ड राउंड के, अब सेमीफाइनल के मैच के लिए, सेमीफाइनल के मैच के लिए ये पर्ची डलेगी, पर्ची पर्ची के हिसाब से मैच होगा। हाँ ये चलो, ये पर्ची डलती है, जो जीतेगा सेमीफाइनल में जाएगा। ये देखिए पर्ची बच्चा उठा रहा है, पर्ची डल गई है, इसके हिसाब से छोटे पिछोल है, सुशील है क्या? सुशील हो रहा भाई। ये पहली बॉल, और ये पहली बॉल पर ही छह रन, लोकल बॉय वर्सेस, ये हमारे चैनल को देखकर ही यहाँ पर खेलने आए हैं भाई साहब, इन भाई से बात हुई है, इन्होंने चैनल पर कंप्लेंट देकर उसके लिए टूर्नामेंट में आए हैं, शुक्रिया बोले बहुत
अगली बॉल लेकर चले हैं, खेल के निकल गया यार, फिर से चले हैं मिथ के लिए, फुल टॉस बॉल होगी, बच गई बॉल, बल लग सकती थी बच गई। दो बॉल पर एक छक्का लग जाएगा, अगली बॉल लेकर चले हैं बॉलर लोकल बॉय यहाँ के निखिल, ये स्लो बॉल डॉट बॉल, अगली बॉल लेकर चले हैं फिर से, ये बेहतरीन बॉल, ये बेहतरीन बॉल, ये देखिए अंपायर के साथ लड़ रहे हैं दर्शक वाइड को लेकर, पर वाइड नहीं थी वो बोलो, ये स्लो बहुत तगड़ा शॉट है, दर्शकों का में बहुत उत्साह चरण। अब दो छक्के लगे अब निखिल को, तीन छक्के लगाने होंगे इस मैच में जीत के लिए यहाँ बल्लेबाज निखिल। जाकिर की पहली बॉल निकल के लिए हल्के हल्के, तो ये डॉट बॉल, पहली बॉल डॉट बॉल निकल के लिए, जो जीतेगा वही सेमीफाइनल में जाएगा, थर्ड राउंड का मुकाबला चला हुआ है, ये चार बॉल पर तीन छक्के, चार बॉल पर तीन छक्के, और ये पहला छक्का लगा दिया भाई, पहला छक्का बहुत लंबा भाई है चरण, तीन गेंद पर दो छक्के रन चाहिए, दो छक्के चाहिए, जो जीतेगा सेमीफाइनल में, जो जीतेगा वो सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा, और ये तकड़ी बॉल, ये तकड़ी बॉल डॉट बॉल, डॉट बॉल, एक बॉल पर अगर एक छक्का लगता है तो बराबरी हो सकती है, और डॉट बॉल होती है तो बल्लेबाज हार जाएंगे, बॉलर जीत जाएगा, डॉट बॉल विन, 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 चार हैं तो चार, कुछ नहीं है, अंपायर ने नो बॉल, नो बॉल को लेकर गर्मा गर्माई, नो बॉल को लेकर गर्मा गर्माई, ये देखिए फुटबॉलर कह रहे हैं कि नो बॉल नहीं है, बहुत दूर से खेल रहे हैं भाई, ये तो ना इंसाफी है, नो बॉल सब मना कर रहे हैं, साइड से साइड साइड किनारे की नो बॉल दे रहे हैं, हम पर देखते हैं क्या होता है, नो बॉल देते हैं, बॉल मानने गई है, अब दोबारा फेंकनी होगी बॉल, और एक छक्का जीत के बराबरी के लिए चाहिए, डॉट बॉल मैच बॉलर जीत जाएगा, ये छक्का मार दिया है, छक्का मार दिया, मैच बराबरी, और फिर से नो बॉल, फिर से नो बॉल, मैच बराबरी, फिर से नो बॉल, ये मैच बराबरी कर दिया है निखिल ने, निखिल ने मैच बराबरी कर दिया छक्का मारकर, ये भी नो बॉल, अमित मुजफ्फरनगर बॉल से बहुत नाराज, नाराज ये नाराज, उनका दूसरा मैच ये मुकुल वर्सेस मोंटी, जो जीतेगा उसे फाइनल में, पहली बॉल और ये स्विंग बॉल डॉट बॉल, फील्डिंग चेंज की है, फील्डिंग चेंज की है, फील्डर एक ही फील्डर है, स्टंपर लगाया है, ये कैच उठा दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, डॉट बॉल, फिर से चले हैं मोंटी, दो बॉल डॉट बॉल, ये भी डॉट बॉल, बेहतरीन बॉलिंग इन्होंने सरताज को हराया, सेकंड राउंड में सरताज को हराया है, अब तक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है मोंटी के द्वारा, तीन बॉल डॉट निकाल चुके हैं मुकुल, मोंटी के अगली बॉल, ये भी तकड़ी बॉल, ये गेंद में मिश्रण वेरिएशन ला रहे हैं, बॉल को घुमाया, डॉट बॉल, बहुत अच्छी गेंदबाजी, चार बॉल डॉट बॉल, छक्को छक्को का ये मैच चल गया है, अगली बॉल, पांचवी बॉल, पांचवी बॉल, फिर से घुमाई गई बॉल, ये फिर से घुमा दिया बॉल, और ये बढ़िया छक्का, बहुत लंबा छक्का है, छह रन, एक बार फिर से ये बेहतरीन गेंदबाजी, अब दो छक्के लग रहे हैं मोंटी को, दो छक्के लग रहे हैं, पहली बॉल और ये डॉट बॉल, ये मोंटी हैं, इन्होंने सरताज को सिम सेकेंड राउंड से बाहर निकाले है, ये मोंटी, अभी इन्हें दो छक्के लगाने हैं, दो छक्के लगाते हैं तो ये सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगे, मुकुल चले हैं मोंटो के लिए, फुल टॉस बॉल और बेहतरीन छक्का, बहुत लंबा छक्का ये भाई, बहुत लंबा, गजब शॉट, अब चार बॉल पर एक छक्के की जरूरत है, चार बॉल एक छक्का, जो हारेगा वो बाहर जाएगा और जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा, ये तकड़ी बॉल स्लोअर बॉल, दो बॉल एक हिट, तीन बॉल, तीन बॉल एक हिट, और ये शॉट लगा है फ्लैट सिक्स, ये फ्लैट सिक्स, ये मुकुल को बाहर निकाल दिया है, ये सेमीफाइनल में मोंटी सेमीफाइनल, तगड़ा प्रदर्शन, पहले सरताज को हराया, अब मुकुल को हराया इन्होंने, सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, तकड़ी बैटिंग।
तो मुकाबला ये अली बोल और इस बार उठाकर और ये सुशील ने 6 रन लगा दिए हैं। 6 रन नहीं, 6 रन नहीं हुए एक छक्का लगा चुका है। एक और फुल टॉस बॉल सुशील ने लगा दिया है। 6 रन, 4 ये भी 4 ये भी 4 ये स्लोअर बॉल, ये स्लोअर बॉल डॉट बॉल। सुशील के दोनों छक्के रुक गए। थर्ड राउंड का मैच है ये, जो जीतेगा सेमीफाइनल में जाएगा। मोंटी बहुत अच्छे बॉलर है और बहुत अच्छे ऑलराउंडर, ये फैमिली के सबसे अच्छे ऑलराउंडर हैं। बॉल और ये देखिए वो कितनी तकड़ी बॉल, देखिए बहुत ही तकड़ी बॉल है। बॉल लास्ट बॉल, तेज बॉल और ये क्लीन बॉल, ये क्लीन बॉल कर दिया है। अब एक छक्का मात्र लगाना है, एक छक्का लगाना है सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए मोंटी भाई को, की जरूरत है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। पहली बॉल पर छक्का, देखे कितना लंबा शॉट भाई, 6 रन। ये सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। तकड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, फाइनल के दावेदार नजर आ रहे हैं। फाइनल का मुकाबला मोंटी वर्सेस निखिल, निखिल मोंटी वर्सेस निखिल सेमीफाइनल का मुकाबला है ये, और जो जीतेगा सीधा फाइनल में जाएगा। इन्होंने मोंटी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अब तक इस टूर्नामेंट में। सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर किसी का रहा है तो वे मोंटी है, इनका रहा है, क्योंकि इन्होंने सरताज को बाहर किया है। सबसे बड़ा चेहरा इस टूर्नामेंट का सरताज, जिसे बैठ गया पहला मैच सेमीफाइनल का। ये मोंटी के लिए ये पहली बॉल, मोंटी के लिए पहली बॉल निखिल की है। टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, निखिल की पहली बॉल मोंटी के लिए, ये कट लगाया, मिस बॉल, डॉट बॉल। एक बॉल डॉट निकाल चुके हैं मोंटी, निखिल की अगली बॉल मोंटी के लिए, ये वाइड बॉल, वाइड बॉल, वाइड बॉल, वाइड बॉल, वाइड बॉल, वाइड बॉल। और ये शॉर्ट पिच बॉल पर नहीं लगा पाई, ये दो बॉल डॉट बॉल। अगली बॉल निखिल की, दो बॉल डॉट हो चुकी है, ये भी डॉट बॉल निखिल की, ये भी निखिल की डॉट बॉल। तीन बॉल डॉट हो चुकी है, अगली बॉल निखिल के लिए और उठा दिया है, फील्डर नीचे है, देखते हैं कहीं छुपाएगा नहीं, पर ये डॉट बॉल। जो जीतेगा सेमीफाइनल का मुकाबला सीधा फाइनल में प्रवेश करेगा। निखिल अगली बॉल लेकर चले हैं, निखिल, ये तकड़ा शॉट भाई निखिल की बॉल पर, 6 रन, एक छक्का लगा दिया है। 5 बॉल पर एक छक्का लगा दिया है। और फिर चलिए लास्ट बॉल लेकर चले हैं निखिल मोंटी के लिए, ये डॉट बॉल, डॉट बॉल। अब 2 छक्के लगाने हैं फाइनल में जाने के लिए, तीन बल्लेबाज निखिल को 2 छक्के लगाने हैं फाइनल में जाने के लिए। 2 छक्के की जरूरत है फाल फाइनल में जाने के लिए, ये डॉट बॉल, ये डॉट बॉल। अगली बॉल लेकर चले हैं, पहली बॉल डॉट निकाल चुके, 2 छक्के चाहिए जीत के लिए और एक छक्का बराबरी के लिए। जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा। ये तकड़ा शॉट भाई, बहुत तकड़ा शॉट, ये 6 रन। अब निखिल को फाइनल में जाने के लिए एक हिट की जरूरत है। सेमीफाइनल का मुकाबला ये, फिर से चले हैं मोंटी, ये तकड़ा शॉट भाई, फिलिप शॉट भाई बहुत तगड़ा, ये फाइनल का शॉट, ये फाइनल में जाने का शॉट। निखिल फाइनल में पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। फाइनल का दूसरा मुकाबला है पुलकित वर्सेस मोंटी सिंगरा, शामली के है दोनों बल्लेबाज। और मोंटी के पुलकित के लिए पहली बॉल और शॉट लगा दिया है, फील्डर देखते हैं कैच होएगा नहीं, ये कैच ले लिया है, ये कैच ले लिया है, ये कैच फाइनल में बचा सकता है मोंटी को। ये बहुत तगड़ी बॉलिंग, बहुत तगड़ी बॉलिंग, ये फाइनल कैच, फाइनल में पहुंचने का कैच है ये। पुलकित का उठाने के बाद रमन आए हैं, रमन ने शॉट लगा दिया है, 6 रन लगा दिया है रमन ने पहली बॉल पर, रमन ने 6 रन लगा दिए हैं। अगली बॉल ये राइट बॉल, राइट बॉल, अगली बॉल रमन के लिए, ये स्लोअर बॉल, ये तकड़ी बॉल, स्लोअर बॉल, स्लोअर बॉल पर एक छक्का, ये वाइड बॉल। और फिर से चले आए तेज बॉल, ये बेहतरीन बॉल, ये बहुत बेहतरीन बॉल, डॉट बॉल, लास्ट बॉल। अब ये लास्ट बॉल एक छक्का लगा है, छक्का लगा पाया अभी तक। मोंटी की ओर से और फिर चले बड़ा मोंटी, ये स्लोअर बॉल, ये स्लोअर बॉल, 2 छक्के लगाने हैं मोंटी को।
मोंटी शामली को ये फाइनल के दावेदार नजर आ रहे हैं। ये लगता है मुझे फाइनल जीतेंगे, ये फाइनल उठाएंगे। अभी सेमीफाइनल का मुकाबला है, इन्हें दो छक्के लगाने की जरूरत है। तो क्या होता है, मैच है, कुछ भी हो सकता है। छक्कों का मुकाबला है, पुलकित है सामने, बहुत अच्छे बॉलर है पुलकित। दो छक्के लगाने हैं जीत के लिए, देखते हैं क्या होएगा। दो छक्के लगाने हैं पुलकित के, पहली बॉल और जो बहुत है लड़के चले हैं। तकड़ा शॉट भाई, बहुत तगड़ा शॉट भाई, देखिए बहुत लंबा छक्का। अब ये बराबरी हो चुकी है, पांच बॉल पर एक छक्के की जरूरत है फाइनल में पहुंचने के लिए। फाइनल में जाएंगे सीधे, पांच बॉल पर एक छक्के की जरूरत है। पांच बॉल एक छक्का, मोंटी पुलकित है सामने। वाइड बॉल, बहुत तेज बॉल, वाइड बॉल, बहुत तगड़ा फास्टर है। फाइनल तक संघर्ष किया इन्होंने पहुंचने के लिए सेमीफाइनल तक। अच्छी बॉलिंग कहनी होगी दोनों ने, अच्छा प्रदर्शन। ये तकड़ा शॉट स्लॉट में बॉल, ये फाइनल के लिए छक्का। ये फाइनल में पहुंच चुके हैं, अब फाइनल मैच होगा। फाइनल मैच होगा निखिल, ये देखिए मोंटी वर्सेस निखिल, इन दोनों के बीच फाइनल मैच होगा। इन दोनों के बीच ये फाइनल मैच होगा मुकाबला। पहली बॉल फाइनल की है, टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है मोंटी ने, मोंटी सिंह का। ये पहली बॉल निखिल है बॉलर, फाइनल फाइनल मुकाबला, पहली बॉल फाइनल है निखिल की। पहली बॉल मोंटी के लिए, तगड़ा शॉट भाई, देखते हैं लगे स्टंप पर। ये छह रन पहली बॉल पर, छह रन बहुत तगड़ा मुकाबला ये फाइनल मैच मोंटी के लिए। और ये डॉट बॉल, ये अच्छी बॉल डॉट बॉल, ये और कर लेंथ की बॉल, फाइनल मुकाबला ये। अगली बॉल स्लो लंबा छक्का, बहुत तगड़ा मैच, छह रन। तकड़ी बैटिंग मोंटी की बहुत तगड़ी बैटिंग भाई। फाइनल मुकाबला, दो छक्के लगा चुके हैं, तीन बॉल पर निखिल। अगली बॉल तगड़ा शॉट लंबा छक्का, ये देखे बहुत, छह रन। मोंटी हो गई है, देखे दावेदार माने जा रहे थे फाइनल के, और फाइनल की रेस में बरकरार जीत नजर आ रही है मुझे इनमें। और दर्शकों का भी पूरा सपोर्ट है, इन्हें सभी दर्शक मोंटी की तरफ ही है। चार बॉल पर तीन छक्के लगा दिए हैं, तीन छक्के लगा चुके हैं। ये बॉल डॉट बॉल, ये बॉल डॉट बॉल, थोड़ा स्लोट बॉल पर फंस रहे हैं बल्लेबाज, पर भाई बहुत अच्छी बल्लेबाजी। फाइनल में, फाइनल मुकाबला है, पांच बॉल पर तीन छक्के लगा चुके हैं। फाइनल, ये फाइनल मुकाबला, ये भी डॉट बॉल। अब चार छक्के लगाने, चार छक्के मारने होंगे निखिल को, निखिल को चार छक्के मारने हैं जीत के लिए। ये फाइनल मुकाबला मोंटी की है। पहली बॉल हो रही है राउंड द विकेट, वाइड बॉल, पहली बॉल वाइड बॉल, वाइड बॉल, तीन छक्के बराबरी, ये भी वाइड बॉल, ये भी वाइड बॉल। ये फाइनल मैच, फाइनल का प्रेशर, ये देखिए बहुत अच्छे छोटी सी उम्र के बल्लेबाज जो कि फाइनल तक पहुँचे हैं। ये और ये डॉट बॉल, ये पहली बॉल डॉट बॉल, बहुत अच्छी। इनकी भी बहुत दाद देनी होगी इनकी हिम्मत की, क्योंकि फाइनल तक का सफ़र इनके लिए बहुत अच्छी बात। और वे अनुभवी बॉलर, अनुभवी ऑलराउंडर ये बहुत ही। अगली बॉल लेकर चले हैं मोंटी, ये तकड़ा शॉट पर फील्डर मौजूद, कैच हो जाएगा, कैच, ये कैच आउट, ये कैच आउट, और ये फाइनल अपने नाम किया है। ये भाई साहब फाइनल जीत लिया है इन्होंने, फाइनल जीत लिया है। ये देखिए, ये इन्होंने फाइनल जीत लिया भाई।